ओम शांति। फर्स्ट दिसंबर बाबा की साकार मुरली। बाबा ने विशेष आज हम बच्चों को बहुत गहरे इशारे दिए हैं याद की यात्रा के लिए, कैसे जीवन में ज्ञान को धारण करते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो आज की बाबा की मुरली को बड़े ध्यान से सुनेंगे। जितनी जितनी अपनी मन की एकाग्रता होगी, बाबा के महावाक्यों के गहरे राज को हम समझ सकेंगे, क्योंकि मुरली ही हम ब्राह्मणों का सच्चा सच्चा आधार है, आत्मा का खुराक है, बाबा का प्यार है। तो इसको अब हमें गहराई से अनुभव करना है। बाबा ने आज सबसे पहली धारणा जो पक्की कराई, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी बाप के द्वारा रूहानी ड्रिल सिखाई जा रही है। रूहानी बाप रूहों को रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं, जिसको कहा जाता है मन मना भव। तो आज बार बार रूहानी ड्रिल की प्रैक्टिस बाबा ने कराई है, हम भी इसका साथ साथ अभ्यास भी करते जाए। रूह में आत्मा, रूहानी बाप को सामने देखे, बाबा को, रूहानी बाप से मुझ रूह को शक्तियां आ रही है, मैं रूह रूहानी बाप की याद में। यह हो गई रूहानी ड्रिल। तो बाबा आज कहते हैं, बच्चे इस ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। प्रैक्टिस करें एक सेकंड में। मैं आत्मा देह से अलग होकर पहुंच गई अपने घर शांति धाम। फील करें अपने घर को, सच्ची शांति की अनुभूति करें। वापस आ जाए। ये है हमारी रूहानी ड्रिल। बाबा रोज की मुरली में हम बच्चों को ये ड्रिल कराते हैं, कभी शांति धाम में जाने की, कभी नई दुनिया में ले जाते हैं, कभी संगम पर ले आते हैं। तो आज बाबा ने ये पहला पुरुषार्थ पक्का कराया कि बच्चे बार बार रूहानी ड्रिल करते रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। और इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। आज इशारा दिया बाबा ने कि बच्चे जैसे स्टूडेंट कोई नापास होते हैं तो पछताते हैं ना, हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया, लेकिन तुम्हें तो अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। स्ट्रिक्ट रहना अर्थात बाबा की श्रीमत का पालन करना है, दृढ़ रहना है, ढीला ढाला नहीं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। कहाँ बैठे हैं हम सब? रूहानी पाठशाला। रूहानी बाप डायरेक्शन देते हैं, बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। अटेंशन। आज
इसी स्थिति में हम बाबा के महावाक्य सुने कि मैं रूह हूं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं व ड्रिल सिखलाते हैं, कहते हैं अटेंशन प्लीज, बाप भी कहते हैं मन मना भवा। पक्का हुआ, आज आत्मा का पहला पाठ पक्का हो रहा है। यह जैसे हरेक अपने ऊपर मेहर करते हैं, हम स्वयं ही स्वयं के ऊपर कृपा करते हैं, मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, अशरीरी बन जाओ। बन जाए अशरीरी, देखे स्वयं को, मैं के बीच में चमकती हुई मणि, देह के भान से परे अशरीरी। तुम हो नायब टीचर, वह है सुप्रीम टीचर। यह रूहानी ड्रिल रूहों को बाप ही सिखलाते हैं। मैं रूह, रूहानी बाप मुझे ड्रिल सिखलाते हैं। सामने रूहानी बाप को देखे परम ज्योति। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। तो आज पूरा दिन पहला अभ्यास, बार बार स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करें, रूहानी ड्रिल करें। अब बाप कहते हैं तुमको वापस घर जाना है। यह दुनिया तमो प्रधान है, घर की स्मृति दिला रहे बच्चे अब वापस जाना है। यहां तो दुख ही दुख है, बाप तो दुख हरता सुख करता है ना, वहां से फिर राजाई में आना है। ये भी अभ्यास करें, बाबा ड्रिल कराते हैं घर पे, फिर वहां से राजधानी में आना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नई दुनिया हमारा एम ऑब्जेक्ट है। आज बाबा ने कहा ये फूलों का बगीचा है, बच्चों को निश्चय बुद्धि बनना है, पूरी राजाई पाने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। माया बहुतों को गिराती है, सावधानी देते बाबा, ना उम्मीद हो जाते हैं, संग बुरा लगा चलाईमान हो जाते हैं, यहां से कई बार होकर जाते हैं फिर भी माया रूपी ग्राह पकड़ लेता है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं, माया मुंह में डालकर हप कर लेती है, आहिस्ते आहिस्ते पूरा हप कर लेती है। कोई गफलत करते हैं या कुछ देखते हैं तो चलाईमान हो जाते हैं, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं। शास्त्रों में भी गायन है ना, मूल विकार है काम, महाशत्रु है, इससे बड़ी संभाल करनी है। तो क्या सावधानी रखनी है, देह भान में नहीं आना है। अगर देह भान में आकर किसी के देह को देखा तो काम विकार रूपी माया गिरा देती है। तो सावधानी रहे कि हमें आत्मा को ही देखने का पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूं। ड्रामा में बाबा पक्का कराते बच्चे, जो कुछ भी होता है ड्रामा अनुसार। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है। रोज रोज हम अपने लक्ष्य को बार बार पक्का करें। इसलिए तो बाबा हमें पांच स्वरूपों की ड्रिल पक्की कराते हैं ना, बच्चे दिन में बार बार करो।
मुरली में भी बाबा हमें ये पांचों ही स्वरूप अनेक बार पक्का कराते हैं है? अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने लाए, अपना देव स्वरूप। हम ही ऐसे देवता थे, फिर से बन रहे हैं। जितना हम अपने देव स्वरूप को एम ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, हमारे अंदर वो दिव्य गुण स्वतः ही इमर्ज होते जाएंगे। तो ड्रामा पक्का हो रहा है बच्चे, ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकेंड बाय सेकेंड। जो बीता सो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ड्रामा को इतना हम पक्का करें, कोई भी बात आती है तुरंत ड्रामा। जो कुछ भी हो रहा है कल्याणकारी, पास्ट हो जाएगा फिर रिपीट होना है, तो कोई फिक्र करनी नहीं है। बाकी थोड़े दिन है, कैसे बाबा हम बच्चों को अलर्ट करते, बच्चे थोड़े दिन है, बाप तुम्हें पुरुषार्थ कराते रहते हैं ना, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट, नापास होने वाले बहुत पछताते हैं ना, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अपने साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तो आज कौन सी धारणा पक्की करेंगे? रोज की मुरली से बाबा के कुछ एक इशारों को पक्का करें। हमें अपने साथ स्ट्रिक्ट रहना है। जो बाबा की श्रीमत मिलती है उस पर पूरा अटेंशन, अलबेला नहीं बनना है। बाबा ने आज टाइटल दिया बच्चे तुम हो राज ऋषि। कितना अच्छा टाइटल, राजा भी है इंद्रियों के और ऋषि वैरागी भी है। तुम कहां भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है, लेकिन निश्चय पक्का हो, कहां भी जाए बाबा की याद में। अभी तुम जो करते हो वह सब चढ़ती कला में जाने के लिए, संगम पर है ना। आत्मा को कर्म का फल मिलता है, इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है। यहां जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनका फल बेहद के बाप के द्वारा मिलता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना बच्चे अच्छे कर्म करेंगे तो पदम गुना फल मिलता है। तो आज क्या अटेंशन रहे, हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं, कितनी स्कूल बाबा ने बनाई है ना। अभी देखो लॉकडाउन है तो ऑनलाइन स्कूल भी तो चलती है। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। नशा रहे, नशा चढ़ता है। आज बाबा बार बार ये याद कराते बच्चे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो वह सब कब्र दाखिल हो जाना है। ये भी एक पुरुषार्थ करना है, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे कब्र दाखिल। आज बाबा क्या कहते बच्चे सब कुछ स्वाहा होना है, कब्र में जाना है, अर्थात समाप्त होना है। जब ये स्मृति में पॉइंट होगी कि सब कब्र दाखिल होना है, तो किसी में भी हमारा ममत्व नहीं जाएगा। अब तो तुम्हें अमरलोक जाना है, अब तुम संगम पर हो। ये भी बड़ी अच्छी स्मृति है संगम युग की। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। क्या नाम है? कल्याणकारी।
इसी संगम युग पर मुझ आत्मा का कल्याण हो रहा है, याद रहे। आगे बाबा ने ड्रामा को पक्का कराया, बच्चे जो कुछ भी होता है कल्याणकारी ड्रामा। तो किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं। नुकसान भी हुआ, समस्या आ गई, कोई ने अपमान कर दिया, कुछ भी हो गया, तुरंत हमें सेकंड में ड्रामा याद आ जाए। बाप कहते बच्चे ड्रामा कल्याणकारी। तो याद रहेगा आज सारा दिन। अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं, बन रहे ना समझदार। ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं, अपना श्वास भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से, जितना बाबा की याद में रहेंगे। सांसों सांस बाबा की याद में रहेंगे, ज्ञान के मनन चिंतन में रहेंगे, तो उनसे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलते हैं हमसे सफल। हमारे द्वारा सभी को पॉजिटिव श्रेष्ठ वाइब्रेशंस मिलते हैं, ये भी तो सेवा है ना। तो सफल हो गया, तो आज ये भी हम ध्यान रखें सारे दिन में, चलते फिरते सांसों सांस बाबा की याद और ज्ञान का मनन चिंतन रहे, इससे योग बल जमा होता जाएगा। फिर बाबा ने आज विशेष वरदान हम बच्चों को दिया है, फील करेंगे जैसे बाप दादा हमारे सामने है और मुझ आत्मा को वरदान दे रहे हैं, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे भव। बाबा ने कहा बच्चे संगम युग में बाप सेवाधारी बनकर छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। कितनी नशे की बात है, स्वयं भगवान बाप संगम पर छत्र छाया बनकर हमारी सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होगा। दिल से बाबा को याद किया, बाबा वही सेकंड बाबा का साथ, वंडरफुल है ना। दुनिया में कोई देहधारी थोड़ी इतना मदद कर सकते हैं, यहां तो उसी सेकंड बाबा का साथ मिलता है। ये याद की छत्र छाया है, कैसी भी नाजुक परिस्थिति में कमल पुष्प के समान न्यारा प्यारा भव। आज ये प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी बात आए तुरंत बाबा की छत्र छाया में ऐसे फील करे कि बाबा मेरे ऊपर है, किरणें आ रही है मुझ आत्मा के ऊपर, एक छत्र बन गया है। तो आज सारा दिन बाप की छत्र छाया में मैं आत्मा न्यारी प्यारी, ये प्रैक्टिस करेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे बस बाप साथ रहे तो फिर तो कमाई ही कमाई है। तो आज के बाबा के इस मधुर महावाक्यों को सारे दिन भर में हम बार बार स्मृति में लाएंगे, अभ्यास करेंगे। बाबा ने आज कहा बच्चे तुम्हें रूहानी ड्रिल करनी है, तो स्वयं को रूह समझे, सभी को रूह देखे और रूहानी बाप को आज अपनी छत्र छाया बना ले और सदा बाप की छत्र छाया में न्यारा और प्यारा रहे। बाबा ने ये भी पक्का कराया बच्चे एम ऑब्जेक्ट सामने रहे, तो अपने भविष्य स्वरूप को भी सामने लाएंगे और इसी के आधार पर
अपने देवता स्वरूप की स्मृति को पक्का करेंगे। तीसरा अभ्यास बाबा ने कहा, निरंतर ज्ञान का मनन चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो सेकेंड सेकेंड सफल हो जाएगा। तो बाबा की बातों का ही चिंतन, ड्रामा का पाठ आज बाबा ने पक्का कराया। कल्याणकारी जो कुछ भी होता है, ड्रामा अनुसार कल्याणकारी। तो पुरुषोत्तम संगम युग में बस कल्याण ही कल्याण है, तो बार बार संगम पर आ जाए। तो बाबा की ये शिक्षाओं को आज मनन करेंगे। मनन करने से बाबा ने कहा स्वतः ही सेवा हो जाएगी, संकल्प स्वास सफल हो जाएंगे और उनका स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करें। तो 2 मिनट के लिए हम बाबा के आज के इशारों को एकाग्र मन से याद भी करेंगे और अभ्यास करेंगे, स्वयं को रूह के रूप में देखे, चमकता सितारा में रूहानी आत्मा, रूहानी बाप मुझे रूहानी ड्रिल करा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे सेकेंड में शांति धाम पहुंच जाए। ये मेरा अपना घर है। बाबा ने कहा बच्चे अब तो वापस घर जाना है, अब आ जाए नई दुनिया में अपने देव स्वरूप को देखे, एम ऑब्जेक्ट को याद करे, फिर से संगम पर आ जाए। कल्याणकारी संगम युग, बाबा ने ड्रामा को पक्का कराया, बच्चे सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा हू बहू रिपीट होता है, इसे याद करें। गफलत नहीं करना है, अपने साथ स्ट्रिक रहना है। बाप की छत्र छाया में बार बार ये स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करें तो सारा दिन आत्मा शक्तिशाली बनकर रहेगी। ओम शांति।